वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड फॉर नीट एस्पायरेंट एंड द सीरीज इज कर्म नीट बायोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज। सो आज हम इसे स्टार्ट करते हैं और टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम, जो ट्वेल्थ के लिए है एंड यूजी लेवल के लिए है। द वेव लाइक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक इज कॉल्ड। सो वेव लाइक जो कॉन्ट्रेक्शन होता है वो बेसिकली स्मूथ मसल्स के थ्रू होता है और इसे पेरिस्टलेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है, सो आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है फर्मेंटेशन चैम्बर ऑफ द हार्बीवोर आर ए। सो दिस इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गेन, वी कैन से डैट एंड दैट इज़ अ सीकम। ये क्या होता है? सीकम होता है। सो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डी एन एज एंड आर एन एज आर द एंजाइम सेक्रीटेड बाय। सो डी एन ए और आर एन एज जो एंजाइम्स होते हैं वो सेक्रीट होते हैं पेनक्रियास के थ्रू। तो ओके, सो इसे याद रखना है, पेनक्रियास के थ्रू डी एन एज एंड आर एन एज एंजाइम एक डेरिवेटिव फॉर्म में सेक्रीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बाइल सॉल्ट। कौन सा ऐसा जो बाइल सॉल्ट को रिप्रेजेंट करता है? सो सोडियम ग्लाइकोलेट एंड ट्राइकोलेट जो होते हैं वो बाइल सॉल्ट्स को रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल एमिनो एसिड। तो मैं आपको बता दूं कि 10 इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं एंड द इसेंशियल एमिनो एसिड इज फेनिल एनिलाइन। फेनिल एनिलाइन इज़ अ इसेंशियल एमिनो एसिड एंड अ पार्ट ऑफ 10 इसेंशियल एमिनो एसिड। सो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल ईटिंग ओन फेसल मेथड आर द कॉर्पोफेगस। सो ऐसे कौन से होते हैं जो अपना ही फेसल मेथड खाते हैं, जैसे कार्पोफेगस एनिमल। सो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल रिकवरिंग फ्रॉम द लॉन्ग इलनेस और द ऑफ्टन एडवाइस टू इंक्लूड द एल्गा एस्पिरिना इन देयर डाइट बिकॉज। सो बहुत सारे जो मतलब लॉन्ग इलनेस के लिए एडवाइस किया जाता है वो जो एल्गी होता है वो एस्पिरिना होता है, लेकिन किस लिए? फॉर इट्स रिच इन प्रोटीन, हैंडसम कंटेंट इन प्रोटीन। इनमें जो प्रोटीन का जो कंटेंट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एस्पिरिना को खाने के लिए एडवाइस किया जाता है या सजेस्ट किया जाता है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ करेक्टली मैच। सो विटामिन बी सिक्स बेरी बेरी ये करेक्ट नहीं है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है कि बी सिक्स जो बेरी बेरी है वो करेक्ट नहीं है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, कोबाल्ट एज अ रेयर एलिमेंट इज एसेंशियल इन द सिंथेसिस ऑफ दिस विटामिन। सो कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन B12 से सेक्रीट होता है या इससे ये मिलता है, और B12 का नाम ही होता है साइनोकोबालामीन। डैट मींस कि इसमें कोबाल्ट एलिमेंट होता है वो एक उसकी जो कंटेंट होती है वो अधिकता में होती है। सो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा डिफिशियंसी ऑफ द टोकोफेरॉल इन द ह्यूमन बॉडी कॉज दिस कंडीशन। सो टोकोफेरॉल की कमी से बेसिकली जो होता है वो इनफर्टिलिटी हो जाती है। ठीक है, ह्यूमंस में इनफर्टिलिटी हो जाती है, दे कैन नॉट डेवलप द इंडिविजुअल जनरेशन। सो इसे आप लोगों को याद रखना है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।